इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोजपा प्रदेश कार्यालय में, बिल्कुल आपने सही कहा, ग्राउंड जीरो। आज यहाँ पर जयंती मनाई जा रही है और ठीक मेरे पीछे देखिए पशुपति कुमार पारस बैठे हुए हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, और किस तरीके का माहौल है, जो तमाम लोग हैं उनके आसपास के, उनके करीबी लोग, सभी लोग बैठे हुए और काफ़ी गमगीन माहौल है आज का। पिनाद आपको सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ऊपर रामविलास पासवान की तस्वीर है, नीचे पशुपति पारस बैठे हुए हैं, उनके पिताजी की तस्वीर है, बगल में रामचंद्र पासवान जो छोटे भाई थे वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, और सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पशुपति पारस आज दिन बहुत गमगीन, पिनाज आज भैया को याद कर रहे हैं। बहुत याद आ रही है, कल रात से ही मैं बहुत परेशान हूँ, और कभी कभी फ़ोटो देखता हूँ जो आशीर्वाद दे रहे हैं मुझको, देख लीजिए आशीर्वाद वाला फ़ोटो, तो मुझको लगता है कि वो जीवित हैं और मुझको आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे जन्मदिन पर आशीर्वाद दे रहे थे। हाँ, वो तस्वीर सब जगह लगी हुई है। हाँ, वो लगी हुई है। रजनीश जी, हमारे यहाँ कहा जाता है अगर पिता का साया सर से उठ जाए तो चाचा ताऊ ही पिता की भूमिका में होते हैं। यहाँ तो चिराग कह रहे हैं कि मेरे को और मेरी माँ को अकेले छोड़ दिया, छोड़ के चले गए समय से पहले, और छोटा भाई भी छोड़ के चला गया, और इस मझधार में मुझको अकेले छोड़ के चले गए लोग, इसलिए मैं बहुत ही अंदर से, आत्मा से मैं खुश नहीं हूँ। आप दुखी हैं, आपको भैया ने मझधार में छोड़ दिया है। इधर चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमें चाचा ने मझधार में छोड़ दिया, मुझे और मेरी माँ को। ये पारिवारिक मामला है, वो राजनीतिक मामला है। हाँ। दोनों दो चीज़ है जी। परिवार को अब राजनीति से नहीं जोड़िए और राजनीति को परिवार से नहीं जोड़िए। लेकिन इस बात का भी तो आपको दुख होगा कि आज भैया की आप जयंती कर रहे हैं और भतीजा जो है वो अपना बाइक शो कर रहे हैं, वो रोड शो कर रहे हैं, वो अलग जयंती। बहुत दुख है, आत्मा से तकलीफ है मुझको, वो भी मेरा बेटा और भतीजा है, मेरे परिवार का अंग है, मेरा खून है, ये मुझको तकलीफ है। लेकिन वो गलत लोगों के चंगुल में चला गया, उनके जो सलाहकार लोग हैं वो अच्छे सलाहकार लोग नहीं हैं, वो अच्छे सलाहकार नहीं हैं, उनका जो किचन कैबिनेट है उसमें अच्छा लोग नहीं है। अच्छा लोग रहता आज चिराग पासवान का झंडा आसमान में फहरता, भारत सरकार करें, मुझे अपनों ने धोखा दे दिया, चाचा ने धोखा दे दिया। अब चिराग पासवान से पूछिए कि चाचा ने क्यों धोखा दिया, चाचा तो तुम्हारी सब बात को माना, तुमको राष्ट्रीय अध्यक्ष हमने बनाया, तुमको पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन बनाया, तुमको संसदीय दल के नेता बनाया, तुमको सब अधिक, जैसे जैसे पासवान जी बोले वैसे वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष में भी प्रस्तावक में ही था, आपको मालूम होना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष में भी प्रस्तावक में ही था। मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तुमको जैसे जैसे चाचा भतीजा तो अलग हो गए हैं और चाचा की पेट का दबदबा लगता है। प्रश्न आपने किया तो सुनिए, चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ और बिहार विधानसभा में जीरो पर आउट हो गई, किसकी गलती है, चाचा की गलती है कि चिराग पासवान की गलती है, हमको ये बताइए। अब चिराग पासवान अध्यक्ष तो ताली गलती उसकी है, और हम सब लोगों ने 6 सांसद में 5 सांसद हम लोग कहते रह गए कि हम गठबंधन में चुनाव जीत के आए हैं, तुम गठबंधन करो। पार्टी के 99% लोग, अभी पार्टी के तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोगों की राय ले लीजिए आप, सब लोगों की राय देखिए। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के वहाँ रामजी सिंह हैं, इधर बीरेश्वर सिंह जी हैं, इधर ललन बाबू हैं, सब लोग हैं, और सब लोगों की राय थी कि हम गठबंधन में चुनाव जीते हैं और बिहार में विकास पुरुष माने जाते हैं नीतीश कुमार जी, और देश में विश्व स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आज है, इंदिरा गांधी से भी ताकतवर, अधिक ताकतवर प्राइम मिनिस्टर भी दोनों के देश को मिला है। तो दोनों आदमी के नेतृत्व को हम स्वीकार करें और हम चुनाव लड़ें, गठबंधन के तहत चुनाव लड़ें।